हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक साथ तीन प्रॉब्लम का सॉल्व बताने जा रहा हूं। पहला, अगर आपका वाटर पंप एयर ले रहा है। दूसरा, अगर आपका वाटर पंप का प्रेशर पहले से कम है। और तीसरा, अगर आपको वाटर पंप में बार बार पानी डालना पड़ता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्व मैं एक साथ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। सिर्फ अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने वाटर पंप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने वाटर पंप को ठीक कर लिया है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई मेरे वीडियो को देखकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। अब देखिए, इस वाटर पंप में मैंने पहले से एक मग पानी डाल दिया है। अब मैं इसे चालू करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैं इसमें लाइन दे रहा हूं और ये देखिए वाटर पंप चालू हो गया। देखिए, इसमें प्रेशर भी आ गया है। देखिए, इसमें प्रेशर भी ठीक है। अब मैं इसके स्विच को ऑफ कर देता हूं। देखिए, मैंने इस वाटर पंप के स्विच को ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा, जो बार बार पानी डालना पड़ता है। देखिए, मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा। अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं। देखिए, वाटर पंप से पानी खुद ही निकलने लगा है। मुझे बार बार पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ रहा है इसमें। अब मैं फिर से वाटर पंप का स्विच ऑफ कर देता हूं। देखिए, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। वाटर पंप में बार बार पानी डालने का जो समस्या होता है, वो समस्या देखिए इसमें बिल्कुल नहीं है। यही चीज़ मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि ये समस्या से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। देखिए, मैं फिर से स्विच दे रहा हूँ और ये देखिए वाटर पंप का प्रेशर भी देख लीजिए। देखिए, मैंने वाटर पंप का स्विच काट दिया है और फिर से मैं इसे लगा दे रहा हूँ पाइप को, और मैं इसे फिर से स्विच दे रहा हूँ वाटर पंप में। और देखिए, इसमें पानी देखिए खुद ब खुद आ रहा है वाटर पंप से। यानी कि बार बार जो पानी डालने का समस्या है वो ख़त्म। देखिए, ये फिर से खुल गया है। प्रेशर भी देख लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का समस्या अगर आपके साथ आए, बार बार वाटर पंप में पानी डालना पड़े, तो उसका हल क्या है। मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो आप बार बार वाटर पंप में पानी डालते हैं, उसका समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको करना क्या है। करना ये है कि इस जगह पे ये जो होल आप देख रहे हैं, इसे अच्छी तरह से एक हाथ से बंद कर लेना है। देखिए, इस प्रकार से इसे बंद कर लेना है।
अच्छी तरह से इस तरह से बंद कर लेना है। और आपको क्या करना है, इस जगह पे जोर से फूंक मारना है। देखिए इस प्रकार से एक हाथ से इसे बंद कर लेना है और इस जगह पे जोर से फूंकना है। इस जगह पे जोर से जब फूंकते हैं तो इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाएगा। जब इसके अंदर बिल्कुल ही हवा नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, इस जगह पर जो आप हाथ इस प्रकार से रखे थे, यानी कि इस होल को जो इस प्रकार से बंद किए थे, इस हाथ को हटा लेना है यहाँ से। सिर्फ इस जगह पे जोर से फूंकना है। देखिए इस प्रकार से आपको जोर से फूंकना है और जब इसमें आप जोर से फूंकते हैं और इसके अंदर हवा चला जाता है, यानी कि इसके अंदर हवा जाता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए करना यह है कि इस जगह पर जो दो बोल्ट है, ये दोनों बोल्ट को खोलना है। ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए ये खुल गया। ये जो आप देख रहे हैं इसे NR भी कहते हैं। इस स्प्रिंग को आप इस प्रकार से पुश करके देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो तरीका बताया है फूंक मारने का, अगर उस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका NR भी ख़राब है या नहीं। अब इसके जगह पर बिल्कुल सेम साइज का आपको NRV लगाना पड़ेगा। देखिए इसके जगह पर ये देखिए सेम साइज का NRV है, जिसे मैं लगाकर आपको दिखाऊंगा। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि ये स्प्रिंग वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग वाला भाग जो है हमेशा ये इसके अंदर जाएगा इस प्रकार से। इस बात को ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं लगाइएगा, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका पानी वाटर पंप से नहीं खींचेगा। इसलिए इस प्रकार से लगाना जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से लगाना है, उल्टा कभी मत लगाइएगा। और इसे अच्छी तरह से टाइट करना है, ये दोनों बोल्ट अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए। अगर लूज रहेगा ये दोनों बोल्ट में से कोई एक बोल्ट भी, तो आपका वाटर पंप एयर लेने लगेगा, फिर वही समस्या हो जाएगा। तो ये दोनों बोल्ट को आपको अच्छी तरह से टाइट करनी है। जब आप ये दोनों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इस जगह पर फिर से एक बार फूंक मारना है। देखिए इस प्रकार से आपको फूंक मारना है जोर से, तो इसके अंदर हवा बिल्कुल ही नहीं जाएगा, तो समझ ले कि आपका जो है NR भी सही लगा है। बिल्कुल इसके अंदर हवा नहीं जाएगा तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपका NR भी बिल्कुल सही लगा है। तो इस प्रकार आप अपने वाटर पंप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस वीडियो को देखकर अगर आप अपने वाटर पंप को बना लेते हैं, यानी कि आप अपने वाटर पंप को सही कर लेते हैं, तो इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने वाटर पंप को ठीक कर लिया है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, बार बार तो करना है नहीं, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
ताकि जो भी वीडियो मैं YouTube पर डालूंगा, यानी कि नया वीडियो जो मैं YouTube पर डालूंगा, वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा।